अगर मैं चाहता तो पलक झपकते ही हजारों योजन की दूरी पार करके राक्षसों को खत्म करके मां सीता को उस राक्षसों की नगरी से वापस ले जा सकता था। लेकिन माता सीता ने मुझे समझाया, अगर मैं राक्षसों के खिलाफ जीत हासिल करके माता सीता को ले जाता तो लोग मेरे प्रभु श्री राम को एक सक्षम और निडर क्षत्रिय और एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में कभी नहीं देखते। लोग कभी नहीं कहते कि माता सीता को वापस लाने में उनका समर्थ था। मैं एक कर्तव्यनिष्ठ भक्त के रूप में किसी भी कठिनाई को सहने के लिए तैयार था, लेकिन मैं अपने प्रिय प्रभु श्री राम के लिए इस प्रकार के बुरे नाम नहीं सुन सकता था। जय श्री राम। इस समय हम अयोध्या के महापौर जी के स्थान पे खड़े हैं। आपके दीपक जी जो चिराग के नाम से जाने जाते हैं, इनका अगर दीपक नाम हो जाता और भी अच्छा, क्योंकि ये संसार को रोशनी दे रहे हैं अपने कैमरा के माध्यम से। टूरिस्ट विभाग को सबको यहाँ का घर बैठे दर्शन कराएंगे, कितना सुंदर इनका विचार है। और ये सभी टूरिस्टियों को घर बैठे अयोध्या का मैप कैमरा के माध्यम से चित्र प्रसारण करके दिखाएंगे। आपका सौभाग्य है कि आप इनके कैमरे के साथ जुड़े हुए हैं और आप घर बैठे इनका दर्शन करेंगे मंदिरों का इनके माध्यम से, तो इनको भी डबल फल मिलेगा अयोध्या आने का। और जैसे कि मैंने सरजू नदी से शुरू किया आपको अयोध्या आने का, जैसे कभी कोई टूरिस्ट अयोध्या आता है तो सर्वप्रथम सरजू नदी जाता है, तो इन्होंने अपने कैमरे में सरजू नदी को कैच किया और वहाँ की शाम बेला की जो आरती होती है उसका भी महत्व के साथ आरती पाठ पूजा के साथ इन्होंने कैमरे में उतारा आपको दिखाने के लिए। फिर उसके आगे भगवान कुश के हाथ की स्थापना किया हुआ माँ नागेश्वरनाथ मंदिर का इन्होंने दर्शन किया और वहाँ पर नागेश्वरनाथ मंदिर का इन्होंने फोटो लिया। तीसरे पॉइंट पे काली राम मंदिर में गए, जहाँ पर राम जन्मभूमि की प्राचीन मूर्ति रखी हुई है जो बाबर पीरियड में सरजू नदी में ढाल बना के डाल दी गई थी। बाद में वो मूर्ति काले राम के नाम से महाराष्ट्र में ट्रस्ट में शामिल हुआ। महाराष्ट्र के भक्त ने उसको मूर्ति को नहाते समय पाए, वो महाराष्ट्र के संत थे, वहाँ पे जाके ट्रस्ट बना के काले राम मंदिर बन गया। वो प्राचीन मूर्ति का इन्होंने दर्शन किया। इसके बाद हम लोग वहाँ से निकलने के बाद रामपथ मार्ग से होते हुए फोर लाइन से जो राम जन्मभूमि को सड़क जाती है हम लोग उस पर गुजर रहे थे। इत्तेफाक से रास्ते में अयोध्या के महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिनका मंदिर है शांत तिवारी जी के नाम से, तीन कलशा के नाम से अयोध्या में सबसे फेमस विख्यात मंदिर है, और उनकी जो तिवारी जी के पुत्र हैं माननीय गिरीशपति त्रिपाठी जी, इस समय वो यहाँ पर महापौर की गद्दी पर हैं, महापौर जी की जगह पाए हैं अयोध्या में। वो यहाँ के सम्मानित व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं। अब इस समय हम उनके मंदिर में खड़े हैं और ये प्राचीन मंदिर बहुत पुराना है, सैकड़ों वर्ष से भी ज़्यादा कहें तो ये पुराना है। ऐसी मंदिर अयोध्या में कहीं कहीं देखने को बिल्डिंग मिलेंगी, ना कि आपके कलाकार इसको बना पाएंगे, क्योंकि ये चूने से बने हुए मंदिर हैं। जब पहले वो कहते गोंद और बेल के चूने क्या क्या मिला करके इसको बनाते थे लोग, सैकड़ों हजारों वर्ष से ठहरते थे। इनके न्यू इनके दीवार दो फुट के हिसाब से नहीं है, एक एक दो दो मीटर इन चौड़े इनकी दीवारें हैं। ये हजारों वर्ष ऐसे खड़ी, इनके सामने नई बिल्डिंगें पस्त हो जाएंगी, लेकिन ये ऐसे कैसे बनी रहेंगी। और ये घर बैठे आप लोग जो कुछ ये खींच के ले जा रहे हैं आपको दिखाएंगे, आपका सौभाग्य है कि आप अयोध्या का नज़ारा घर बैठे आप देखने को पाएंगे। फिर आगे रामलला का और कनक भवन, ये सब आगे हम लोग बढ़ेंगे। जय श्री राम। कहा जाता है कि रानी कैकेयी ने कनक भवन को माता सीता को मुंह दिखाई में दिया था। कालांतर में कई बार इस मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार होता रहा है। वर्तमान मंदिर 1891 में ओरछा की रानी का बनवाया हुआ है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि के साथ कनक भवन अवश्य जाते हैं। जैसा कि हम लोग महापौर जी के यहाँ से गिरीशपति त्रिपाठी जी के यहाँ से चल करके कनक भवन आए और कनक भवन पहुँच करके कनक भवन के मंदिर की महिमा देखे और यहाँ पर आरती हो रही थी, आरती के समय हम लोग पहुँचे। आरती का भी दर्शन आप लोग को हो रहा है इस माध्यम चैनल से। कनक भवन सीता जी को मुझे दिखाई मिला था, ये प्राचीन बिल्डिंग है। जब पुराना कनक भवन गिर गया तो इसको जो है मध्य प्रदेश के राजा महेंद्र प्रताप सिंह उर्षा नरेश ने निर्माण कराया। त्रेता युग में मिथिला में महाराज जनक की सभा में जब श्री राम ने भगवान शंकर के धनुष को भंग कर दिया, तब जानकी ने उनके गले में जयमाला डाल दी। उस रात्रि प्रभु यह विचार करने लगे कि जनक नंदिनी वैदेही अब हमारी अयोध्या जाएंगे।
इसलिए उनके लिए वहां अति सुंदर भवन होना चाहिए। जिस क्षण भगवान के मन में यह कामना उठी, उसी क्षण अयोध्या में महारानी कैकेयी को स्वप्न में साकेत धाम वाला दिव्य कनक भवन दिखाई पड़ा। महारानी कैकेयी ने महाराजा दशरथ से स्वप्न में दिखे कनक भवन की प्रतिकृति अयोध्या में बनाने की इच्छा व्यक्त की। विवाह के बाद राम सीता इसी भवन में रहने लगे। इसमें असंख्य दुर्लभ रत्न जड़े हुए थे। अभी लगभग 400-600 वर्ष पुराना ये बिल्डिंग है, जो भी टीकमगढ़ के राजा के अंतर्गत ये मंदिर बना हुआ है। इसके अंदर सोने का सिंहासन, राम सीता विराजमान है, 3 जोड़ी मूर्ति का दर्शन है, बड़ी मूर्ति अंदर रहती है, मीडियम मूर्ति बीच में शादी विवाह उत्सव में आंगन में आती हैं, जो सबसे छोटी मूर्ति है उनका नाम चल मूर्ति है, वो बारात के रूप में अयोध्या में बाजे गाजे के साथ जब उत्सव होता है तो राम बारात निकाली जाती है, उस पर चलते हैं। जैसा कि भी आपने आरती का दर्शन किया, हम लोग कनक भवन पहुँच करके आरती का दर्शन आप लोग को कराए और कनक भवन की महिमा बताई। जय श्री राम। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व सम्राट विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाकर सीताराम के युगल विग्रहों को वहां पुनः प्रतिष्ठित किया था। महाराज विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया विशाल कनक भवन 1000 वर्ष तक ज्यों का त्यों बना रहा। बीच बीच में उसकी मरम्मत होती रही। कनक भवन अयोध्या से जुड़े समृद्ध भरे सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रतीक बना हुआ है, जो रामायण के पौराणिक घटनाओं से जुड़ने का इच्छुक भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता आ रहा है। आने वाले एपिसोड में हम आपको अयोध्या के समृद्ध इतिहास में और भी गहराइयों में लेकर जाएंगे और भगवान श्री राम की ऐतिहासिक महत्वपूर्ण कहानी को और भी विस्तार से साझा करेंगे। उनके जीवन, प्रेम, त्याग और उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए श्रेष्ठ उदाहरण कैसे बनी, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और ऐतिहासिक कहानियों और रोमांचक एपिसोड्स के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम।